नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। फटाफट खबरों से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। हाथरस केस की एसआईटी जांच तेज हो गई है, आज एसआईटी क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। रिक्रिएशन से कई नए तथ्यों और सबूतों को जुटाया जाएगा। आज फिर पीड़ित परिवार से भी एसआईटी पूछताछ करेगी। हाथरस मामले में आज क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी आरोपियों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान आरोपियों के वकील एपी सिंह भी मौजूद रहेंगे। पंजाब में हाथरस मामले को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज बंद का किया ऐलान। आरोप है कि यूपी सरकार मामले पर पर्दा डालना चाहती है। हाथरस मामले को लेकर हिमाचल के शिमला में लोगों ने प्रदर्शन किया, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर फायरिंग की गई, भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेह में 88वें एयरफोर्स डे पर इंडियन एयरफोर्स के दो अफसरों ने स्काई डाइविंग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोनों अफसरों ने 17,982 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। चीन ने भी -25 सेल्सियस डिग्री में लड़ने की तैयारी कर ली है। पेंगोंग झील इलाके में चीन ने नए बैरक बनाए हैं। चीन की इस चालबाजी का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। चीन ने पेंगोंग झील के करीब 100 किलोमीटर दूर नए बैरक बनाए हैं। डीआरडीओ ने देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का बालासोर में सफल परीक्षण किया। सुखोई-30 ने इस मिसाइल को लॉन्च किया। रुद्रम पिन पॉइंट पर सटीकता से निशाना लगाने में माहिर है। इसके साथ ही रुद्रम लक्ष्य का पता लगाने और उलझाने में सक्षम है। आगरा में सेना की ट्रेनिंग के दौरान पैराशूट समेत एक जिप्सी तालाब में गिर गई। पैराशूट के जरिए जिप्सी को उतारने की ट्रेनिंग चल रही थी। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना लाया गया। सुबह 8 बजे से ही उनके अंतिम दर्शन शुरू हुए, इसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। रामविलास पासवान का आज दोपहर 1:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। पटना के दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। बिहार चुनाव को लेकर चुनावी रैलियों का रविवार से हो रहा है आगाज। बिहार में सभी पार्टियां चुनावी जनसभा को लेकर तैयारियां कर रही हैं। कोलकाता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार चुनाव में शिवसेना ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। शिवसेना 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उद्धव और आदित्य चुनाव प्रचार करेंगे। आईपीएल सीजन 13 के 24वें मुकाबले में आज किंग्स इलेवन पंजाब की टक्कर कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। पंजाब 5 मैच हार कर सबसे नीचे 8वें स्थान पर है। आईपीएल के 23वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 46 रनों से हराया। दिल्ली ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 185 रनों का टारगेट दिया, लेकिन राजस्थान की पूरी टीम 19.4 ओवर्स में 138 रन बना पाई। आईपीएल के सीजन में खेले गए सभी मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का स्कोर 200 से ज्यादा रहा है। राजस्थान के लिए राहुल तेवतिया ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए। दिल्ली के अश्विन और मार्कस स्टोइनिस ने 2-2 विकेट लिए। अश्विन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के सीजन में लगातार यह चौथी हार है, जबकि सीजन में अभी दिल्ली टॉप पर है। राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर जॉस बटलर सिर्फ 13 रन ही बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। शुरुआती 5 ओवर्स में पहले शिखर धवन 5 रन पर और इसके बाद पृथ्वी शॉ 19 रन बनाकर आउट हो गए। देश में कोरोना से 24 घंटों में 964 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल तादाद 1,06,000 के पार पहुंची। देश में कोरोना के अब तक 69,06,151 केस सामने आए हैं, जबकि 8,93,592 एक्टिव मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,860 नए मरीज मिले हैं। 39 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 15,06,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। यूपी में लखनऊ के कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।
बागपत में बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी को गोली मार दी। इलाके में तनाव, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बदमाश के पास से एक कार और हथियार बरामद की है। नोएडा में एक दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल अभी तक आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। हरदोई में नाबालिग के साथ एक शख्स ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। कानपुर में खेत में काम कर रही नाबालिग से पड़ोसी ने रेप किया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। सहारनपुर में दबंगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पंजाब के संगरूर में किसानों ने तहसीलदार को बंधक बना लिया। पराली जलाने के मामले में अधिकारी केस दर्ज करने गए थे। फरुखाबाद में एक युवती ने सिपाही की चप्पलों से पिटाई कर दी। युवती ने बताया कि सिपाही नशे में था और रॉन्ग साइड से आकर उसने टक्कर मार दी। स्विस बैंक ने भारत सरकार को एक नई लिस्ट सौंपी है। लिस्ट में भारत के उन नागरिक और संस्थाओं की जानकारी है जिनका अकाउंट स्विस बैंक में है। मिंत्रा को 753 करोड़ रुपए का नया निवेश मिला है। यह निवेश कंपनी को सिंगापुर बेस्ड पेरेंट यूनिट एफके मिंत्रा होल्डिंग से मिला है। भारत अमेरिका के बाद पाकिस्तान ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है। पाकिस्तान में टिकटॉक पर अश्लीलता फैलाए जाने के आरोप लग रहे थे। 2020 के नोबेल पुरस्कार यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन को दिया गया। कोरोना संकट में जरूरतमंदों को खाना खिलाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। किर्गिस्तान में हुए संसदीय चुनाव के नतीजों को रद्द करने के लिए जोरदार विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने वोट खरीदने का आरोप लगाते हुए हिंसक प्रदर्शन किया। चुनावों में धांधली के बीच विपक्षी समर्थकों ने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। नए सिरे से चुनाव कराने की मांग पर वो अड़े हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी है। जंग में अब तक आर्मेनिया के 300 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। नागोर्नो काराबाख इलाके में तोपों की आवाजें अभी तक नहीं थमी। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कहने पर आर्मेनिया और अजरबैजान बातचीत के लिए तैयार हुए हैं और जल्द ही बातचीत होने की उम्मीद है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 78,78,000 के पार चला गया है। मरने वालों की संख्या 2,18,000 से ज्यादा हुई है।